उन्होंने पार्टी ऐलान कर दी, किस तरह देखिएगा? उनको मुबारक, इससे आम आदमी पार्टी का भला होगा, जो रोज़ का क्लेश है वो ख़त्म होगा। तो उन्होंने जब पार्टी छोड़ दिया तो उसकी एमएलएशिप क्यों रखनी है, उसको भी छोड़ दें और बहुत पॉपुलर लीडर को समझ दें अपने आप को, अपने द्वारा से इलेक्शन लड़े, उनकी जो लीडरशिप है एस्टैब्लिश होगी। तो हमारी गुड विशेज़ हैं, इससे आम आदमी पार्टी का तो भला होगा, अब उनका क्या होगा ये तो टाइम बताएगा। और मैं लेकिन चाहता हूँ कि वो, क्योंकि अणख की बात करते हैं, पंजाबी अणख की बात करते हैं, तो इसको छोड़ दें वो एमएलएशिप को और अपने नए सिरे से अपनी कोशिश करें। कितना फर्क होगा सोचिए, कौन सी पार्टी का फर्क होगा इसमें? देखो इसमें आम आदमी पार्टी को तो उनके जाने से फ़ायदा होगा, आम आदमी पार्टी निखर रही है और निखर के सामने आएगी, और एक जो जो लीडर आम आदमी पार्टी में है, जो आम आदमी पार्टी की सोच से सहमत है, वही इसमें रहें और मिलके काम करें, सब लोग आपस में मिलके काम करें, तभी ये पार्टी आगे बढ़ेगी और लोगों की उम्मीद के ऊपर खरी उतरेगी। ये मनान की गल करती थी, डॉक्टर गांधी छोड़े उन्होंने मनान की गल कर सी, पार्टी नवा फ्रंट बनेगी, नवी पार्टी बनेगी, थोड़ा लगा फुलका साहब जी जाओगे? नहीं, फुलका साहब ने तो राजनीति छोड़ दी है, वो तो अपना एससीपीसी का करना चाहते हैं, उनके लिए भी गुड विशेज हैं, क्योंकि जो जो धर्म का सियासीकरण है वो पंजाब के दुखांत का एक मुख्य कारण है, और दूसरा जो पुलिस का सियासीकरण है वो बहुत बड़ा कारण है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, जो धर्म का सियासीकरण है उसकी लड़ाई फुलका साहब लड़ेंगे। हम तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे को जो एफर्ट है उसमें हम एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो भी हमें सपोर्ट करेंगे, कि जो जो पुलिस का सियासीकरण है और जो सियासत का अपराधीकरण है, इन दो मसलों में वो हमारी मदद करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अभी उम्मीद है जो लोग नाराज हुए वो वापस आएंगे। बिल्कुल पूरी उम्मीद है जी, वापस नहीं आएंगे तो लोग हमारे साथ चले, हमें लोगों से उम्मीद है कि लोग हमारे साथ चलेंगे। अभी जो नाराज है वो अपना फुल सर्कल आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं, बहुत बहुत सारी पार्टीज में हुआ है, इतिहास भरा पड़ा है, मतलब सिद्धू साहब कहाँ थे आज कहाँ हैं, मंत्री बन गए, मनप्रीत बादल साहब के सके भतीजे थे वो कहाँ हैं आज उधर आके फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लोग आ जाते हैं, फुल सर्कल आ जाते हैं, हो सकता है पॉलिटिक्स में कुछ भी संभव नहीं होता, हो सकता है खैरा साहब 2-4 साल बाद के फिर आ जाएं, कि गलती हो गई थी वापस आ जाएं, उसमें क्या बुराई, कोई बुराई नहीं है।